हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपके पास यदि कोई भी एंड्रॉयड फोन है उसमें यदि आप इस तरीके की सेटिंग लगाना चाहते हैं कि आप अपनी उंगली से सिर्फ इस तरीके से स्वाइप कीजिए, आपके साइडों में यहाँ पर इस तरीके का बटन आ जाएगा, जो बटन आपको ऊपर की ओर आता है यह सारे बटन आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक बार और स्वाइप कीजिएगा तो आपके फोन के सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं उन सारे एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सिर्फ एक बार आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे टच करना है, वह आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की सेटिंग यदि दोस्तों आज आप अपने फोन में करना चाहते हैं बिना किसी पॉपअप के, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक छोटी सी सेटिंग बताएंगे। छोटी सी सेटिंग से आप इस तरीके का सेटिंग अपने फोन में कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कहीं भी आपको पॉपअप नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम अपनी उंगली से इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे सारे बटन ऑन हो जाते हैं, जो बटन हमको ऊपर में देखने को मिलता है। और एक बार जैसे ही स्वाइप करते हैं तो हमारे फोन के सारे एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वह आप किसी भी फोन में कर सकते हैं। आपका फोन सिर्फ एंड्रॉयड होना चाहिए, चाहे फोन सस्ता हो चाहे फोन महंगा हो, उसमें आप इस तरीके की सेटिंग को कर सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने फोन में कुछ इस प्रकार की सेटिंग को लगाए हैं, तो उसके लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, पूरा सीखिए। तो फ्रेंड ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच। दोस्तों यदि इस तरीके का ट्रिक यदि आप अपने फोन में लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पर एक बेल आइकन घंटी का बटन है, यहाँ पे घंटी के बटन पर दबाकर आपको ऑल के ऊपर में क्लिक कर देना है। और नीचे यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स है, इस कॉमेंट बॉक्स में आना है और आपको एक कॉमेंट करना है। कॉमेंट में आप जो भी लिखना चाहते हैं आप यहां से लिखकर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके कमेंट का यहां पर दोस्तों लाइक करता हूं और यहां पर दोस्तों हट देता हूं। इतना सा छोटा सा काम आप हमारा प्लीज करेंगे दोस्तों। तो आइए फ्रेंड बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फोन में इस प्रकार की सेटिंग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको सर्च बार में जाना है और आपको यहां पे लिखना है VM स्वाइप। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिखने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, सेम एप्लीकेशन एक ही जैसा है, एक प्रो वर्जन में है और एक ऊपर वाला है जिसमें प्रो नहीं लिखा हुआ है, नीचे वाले में 100 रुपए लिख रहा है। तो आपको ये वाला नहीं, ये वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन का साइज सिर्फ 1 MB है, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का साइज मात्र 1.3 MB है। इस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है कि इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहां पे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में ये एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहां से क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का बटन आएगा, तो इस बटन पे आपको एक बार टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे तो इस एप्लीकेशन के परमिशन को अलाउ करने के लिए कहेगा, तो आपको इस बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों बैक हो जाना है। उसके बाद दोस्तों एक बार इस बटन पे आपको टैप कर देना है, फिर से इस बटन पे आपको एक बार आपको टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुलकर सामने आ जाएगा है। उसके बाद में यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस सेटिंग के ऊपर में क्लिक कर देना है। जाने के बाद में यहाँ पे चेंज थीम का ऑप्शन है, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है और आप अपने थीम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस बार अपने थीम को कुछ इस प्रकार का पिंक करना चाहता हूं और यहां अप्लाई के ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको वाइब्रेशन ऑन साइड बार का ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि जब अपने उंगली से स्वाइप करें तो आपका फोन वाइब्रेट करे, तो आपको इस बटन को आपको सिंपली एक बार ऑन कर देना है। इसे ऑन कर देंगे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चेंज बार पोजीशन है, आप चाहते हैं कि देखिए जब हम उंगली से इधर खींचते हैं तो ये जो आपको कॉर्नर में दिख रहा है कुछ नीचे आ गया, कुछ इधर खींचते हैं तो देखिए ऊपर की ओर चला गया। इसको आप कहाँ रखना चाहते हैं, इधर या ऊपर, जहां रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ बटन पर जब क्लिक करते हैं, हम लेफ्ट करते हैं तो देखिए ये जो बटन आपको दिख रहा है इधर आ गया। यदि हम इसको राइट करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि इधर आ गया। तो आप अपनी मर्जी से इस बटन को जहां रखना चाहते हैं वहां सेट कर दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि डिस्प्ले पर यह बटन है जो शो ना हो, तो यहाँ पर आपको हाइड साइड बार का ऑप्शन का एक बटन है, इस बटन पर आपको सिंपली टैप कर देना है और आपको फोन को कट कर देना है। जैसे कट कर देंगे तो देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे कहीं भी पॉपअप नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप अपने उंगली से स्वाइप करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शन आ जाता है। और एक बार और स्वाइप करते हैं तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ
आ जाता है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसे करना है, आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके एप्लीकेशन आ जाएंगे। जिस एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर में क्लिक करना है। नीचे आपको साइन का ऑप्शन है, साइन के ऊपर में क्लिक कर देना है, एप्लीकेशन ऐड हो गया है। दूसरा एप्लीकेशन को ऐड करने के लिए आपको इस तरीके से आना है और इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। आप अपने मनचाहे एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन को यदि हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर में लॉन्ग प्रेस करके रखना है और इस कट के ऊपर में क्लिक कर देना है, एप्लीकेशन हट जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन को ऐड करने के लिए इसी तरीके से आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे कोई पॉपअप नहीं दिखाई देगा और जैसे ही आप एक बार उंगली से इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से आप अपने वाईफाई इंटरनेट टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं। और एक बार ऐसे स्वाइप करेंगे तो जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेट किए हैं वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया दिखेगा। क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन का साइज मात्र 1 MB है, ज्यादा फोन में आपका जगह भी नहीं घरेगा और फोन आपका बिल्कुल ही लाजवाब लगेगा। जब भी आपको कोई काम हो तो फोन को पूरा खोलने की जरूरत नहीं, उंगली से इस तरीके से स्वाइप कीजिए, जिस एप्लीकेशन को टच करना है टच कीजिए, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और आप अपने फोन में उस एप्लीकेशन को इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम आप लोगों को इस वीडियो में यही जानकारी दे रहे थे कि आप अपनी उंगली से साइड बार को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।